मैं बिना किसी औपचारिकता के मैं चाहता हूँ परम आदरणीय डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी हमारे बीच में आए और अपना काव्य पाठ करें, और थोड़ा समय की भी सीमा हम लोग पे है, तो मैं चाहता हूँ पहले उनके हम लोग सुन लें। यही है माइक। चंदन सा आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आज ये आकलन करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मंच ज़्यादा भारी है या सामने जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा भारी हैं। आप लोग बाद में डिस्कस करना, बैठो दमदार। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, कारण बता देती हूँ। ज़्यादातर कवि आएंगे तो वो यही कहेंगे कि तराजू को जब हम तौलते हैं, तराजू के जो दोनों पल्लड़े होते हैं, जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर होता है, अर्थात श्रोता भारी ही हैं। लेकिन आज मैं और किसी और दृष्टि से कह रही हूँ, जहाँ ये इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, अजय अंजाम जी हैं, मोहन मुंतजर जी हैं, सौरभ सुमन जी हैं, और दमदार ने इस कार्यक्रम को सजाया है, और भी सब लोग हैं, प्रतीक जी हैं, संजीव जी हैं, वहाँ यदि सांड बनारसी जी सामने बैठ कर के सुन रहे हो, तो चाहे श्रोता कोई ना भी हो तो भी ये वाला पलड़ा भारी होना ही है, और ये तय है। तो हम सब की जितनी तपस्या है, हम सब की, वो तो आपने पहले पायदान में पूर्ण कर ली थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व, तो इतने बड़े कवि मुझे सुन रहे हो, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ। आप सब बहुत कम हैं, मैं भी बहुत, हम सब बहुत कम हैं संख्या में, तो इस गोष्ठी में मेरा मन है कि कोई भी बात अच्छी लगे तो आपकी प्रतिक्रिया, आपकी और ख़ास तौर से कवियों की प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचे। मेरे बाद आप पढ़ने वाले हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ बैठे, टप टप टपाक से पहले सुनेगा। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। वो महाशिव भक्त रावण, शिव जी के अनन्य भक्त, वो उन्हीं का धनुष नहीं उठा पाए, क्या कारण रहा होगा? श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध और परशुराम का महाक्रोध, ऐसे में वो रावण जो अपने शिव जी का धनुष नहीं उठा पाए, क्या कारण होगा? पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में अंबर। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं बहुत सारा पढूं,
और आप ये देखिए कि कितनी छोटी सी बात निकली, इस कारण इसका कारण कितना छोटा निकला। जब मैं आई हॉल देखा, मैंने कहा लोग कम हैं, मन बना लेती हूँ, मन बन गया। फिर मेरी दृष्टि गुरुजी पे पड़ी, मेरा और मन बन गया। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कम रहे अपन तो पढ़ेंगे। फिर समय कम है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मना लेंगे इन लोगों को, पढ़ लेंगे। कवियों को देखा लंबी टीम है, मैंने कहा फिर भी चलेगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए माइक देखने के बाद अब लग रहा है कि हाँ मुझे कम ही पढ़ना चाहिए। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है इस माइक के साथ निभाना, लेकिन आप लोगों का मन मांगती हूँ। एक गज़ल के एक दो शेर पढ़ती हूँ, मेरा मन कर रहा है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, सुनेगा। समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते। आप लोगों की आवाज़ इसलिए आए क्योंकि इस गोष्ठी को ही सुन रहे हैं हम, और बहुत ज़रूरी है। अजय जी, चार पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं उनसे बचकर ज़रूर रहिए। कि जुबा मिश्री नज़र पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, जुबा मिश्री नज़र पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। और ज़रा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुँह पे तेरे हैं, ये मेरे मुँह पे मेरे, ये तेरे मुँह पे तेरे हैं, ये मेरे मुँह पे मेरे हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तब गज़ल के एक दो शेर कहती हूँ कि समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते। समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते, कहीं आँखों में बस जाते, किसी दिल में उतर लेते। कहीं आँखों में बस जाते, किसी दिल में उतर लेते। बिछड़ कर आज तुमसे हम, शेर आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं आँखों में बस जाते, किसी दिल में उतर लेते। नौजवान साथी उपस्थित हैं, एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। सिले बस था तो पूरे साल में आधा न हो पाया, सिलेबस था तो पूरे साल में आधा न हो पाया। जो होती वैब सीरीज तो ख़त्म एक दिन में कर लेते। धन्यवाद। जो होती वै, बहुत धन्यवाद। नया प्रयोग आपने कहा है तो नया प्रयोग की चार पंक्तियाँ सुनाती हूँ। नौजवान साथी उपस्थित हैं, ये बहुत अच्छा सुना करके हमारे यहाँ आए थे, मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। सुनेगा चार पंक्तियाँ कहती हूँ, नए प्रयोग की बात हुई है तो कुछ नई, बिल्कुल नए प्रयोग की बात करती हूँ चार पंक्तियों से। याद ही नहीं आ रहा, मैं नया सुनाने की वजह से कुछ खैर मैं चार पंक्तियाँ वैसे ही सुना देती हूँ, उन पंक्तियों को सुनाती हूँ जो प्रतीक जी को बहुत पसंद है। के अगर सिया के भाग्य में अंबर, धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। समय ही निर्णायक होता जब
समय को आना होता है, समय ही निर्णायक होता। जब समय को आना होता है, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। बस लक्ष्मण रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। नहीं, वो थोड़ा सा गला, ये माइक गला खींच रहा है। चलिए, यदि आप ऐसा कह ही रहे हैं तो इनको मैं सुनाती हूँ एक बात, और जो मेरे से नए लोग हैं उनको एक बात बताती हूँ। एक शेर हो गया था आदरणीय सांड जी, बचपन में एक ऐसा शेर हो गया था कि कुछ बड़े कवियों को यकीन नहीं हो रहा था, तो वो और लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे और कह रहे थे इस लड़की से ज़रा ये शेर सुनो। अब वो शेर जो हो गया था, मेरा मन है कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि माँ शारदे ने ऐसा क्या वरदान दिया। काशी की धरा पे हूँ, इस पावन धरा पे माँ शारदे का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये भी मुझे सौंपा। सुनेगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ वही सुना रही हूँ जो आपने YouTube पे नहीं सुना हो। तुमने जब से मेरे गुलशन से गुजरना छोड़ा, आप लोग थोड़ा सा ऊर्जा दीजिए, मैं बहुत कम ऊर्जा में हूँ। मैंने कारण बताया है, माइक भी है और दूसरा कई दिनों की व्यस्तताएं भी हैं, तो थोड़ा सा प्रफुल्ल माहौल प्रफुल्लित कर दीजिए। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप हंसते मुस्कुराते हुए नहीं सुनेंगे, ये थके हारे नहीं बैठे होंगे। आप लोग भी ऐसे नहीं बैठना है, आराम से थोड़ा हिलो डुलो। उसकी मेहनत को सफल कीजिए। थोड़ा सा आप लोग थक गए होंगे, मैं जानती हूँ, हम भी सफ़र करके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्मुक्त होइए और मतलब देखिएगा कि तुमने जब से मेरे गुलशन से गुजरना छोड़ा, गज़ल है, तुमने जब से मेरे गुलशन से गुजरना छोड़ा, खुशबुओं ने भी फिजाओं में बिखरना छोड़ा, खुशबुओं ने भी फिजाओं में बिखरना छोड़ा। और शेर देखिएगा जिसकी मैं बात कर रही थी, मेरी आंखों में जमी बर्फ पिघल सकती थी, मेरी आंखों में जमी बर्फ पिघल सकती थी, मेरी आंखों में जमी बर्फ पिघल सकती थी, धूप ने क्यों मेरे आंगन में उतरना छोड़ा, धूप ने क्यों मेरे आंगन में उतरना छोड़ा, खुशबुओं ने भी फिजाओं में बिखरना छोड़ा। और पुरुषों, आपके लिए कई बार हम नए हो जाते हैं, जो दाद दे रहे हैं वो भी सुन लें। अब तेरी आंखें मुझे देखती नहीं शायद, अब तेरी आंखें मुझे देखती नहीं शायद, वरना क्यों तेरे लिए मैंने सवरना छोड़ा, वरना क्यों तेरे लिए मैंने सवरना छोड़ा, खुशबुओं ने भी फिजाओं में बिखरना छोड़ा। पुरानी बातें याद दिला, बहुत नई नई जवाई थी जब ये पढ़ती थी। तो अभी मैं आप सबसे विदा चाहूँगी, और एक बात कहते हुए कि रोशनी कैद कर लूँ ठहर तो ज़रा, रोशनी कैद कर लूँ ठहर तो ज़रा, तुझको आँखों में भर लूँ ठहर तो ज़रा, रोशनी कैद कर लूँ ठहर तो ज़रा, तुझको आँखों में भर लूँ ठहर तो ज़रा, और आरजुओं के तपते हुए गाँव में
आरजुओं के तपते हुए गांव में चांदनी रात कर लूं, ठहर तो जरा। आरजुओं के तपते हुए गांव में चांदनी रात कर लूं, ठहर तो जरा। प्रतीक जी और मोहन जी, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं किस तरह का सुना रही हूं, तो मैं यकीन दिला रही हूं कि मुझे गोष्ठी में पढ़ना आता है। सुनेगा कि देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, संभालिए मेरे मन की पंक्तियां हैं, मेरे मन का शेर है कि देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, आईने सी निखर लूं, ठहर तो जरा। देख लूं पत्थरों का भी मैं हौसला, आईने सी निखर लूं, ठहर तो जरा। और चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, चांद बनने की ख्वाहिश अगर है तुझे, मैं चकोरी के पर लूं, ठहर तो जरा। मैं चकोरी के पर लूं, ठहर तो जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चार अंतिम पंक्तियां कहकर के मैं स्थान लेती हूं, ताकि इन सबको ये विश्वास हो जाए कि अनामिका अंबर ही आई थी। सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। बाबू जी, लोग कहते हैं अनामिका आप बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन इतने कटु होने की जरूरत क्या है, ये मार काट क्यों मचा देती हो, इतना सुरीला गा देती हो, ठीक ठाक सी आवाज है, लिख भी सही लेते हो। तो मैं उन्हें कहती हूं कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, तब मैं इन पंक्तियों को पूरा करती हूँ। और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सब मुझे अनुमति दें, मैं जाऊं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।